दरअसल मेरी भी शादी फिक्स्ड हो गई है। आज से कई साल पहले मैं अपने मामा मामी को साथ लेके अंडमान घूमने गई थी। तभी मेरी मुलाकात एक लड़के से हुई थी। वो वैसे तो असम से है, लेकिन वो नौकरी शहर के बाहर करता है। लड़का CA है। फिर मामा मामी के साथ बातें होती हैं उसकी, कभी कभी हमारा हालचाल भी पूछ लेता है, और कभी कभी वो घर भी आने लगा मिलने। फिर उसने मामा मामी के आगे मुझसे शादी करने की इच्छा जताई। मामा मामी मान गए और मैंने भी इस बात से कोई एतराज नहीं किया और हामी भर दी, क्योंकि मामा मामी ही मेरे सब कुछ है। इसी अप्रैल महीने के 28 तारीख को, यानी तुम्हारी शादी के दिन ही मेरा रिंग सेरेमनी है, इसलिए अब मैं तुम दोनों को भी मेरी रिंग सेरेमनी में आमंत्रित करती हूँ। और साथ ही प्रिंस, मैं तुम्हारे लिए ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि तुम्हारा वैवाहिक जीवन खुशहाल रहे। सॉरी बट कांग्रेचुलेशंस निशा मैम। तुम दोनों अपनी दोस्ती ऐसे ही रखना हमेशा। तुम लोग हमेशा एक दूसरे के सुख दुख में एक साथ रहना। तुम दोनों की दोस्ती जय और वीरू की पार्टनरशिप की तरह एक मिसाल है। ये कभी न टूटे, क्योंकि आज के जमाने में सच्ची यारी दोस्ती काफी कम होती है। लेकिन तुम दोनों की दोस्ती ने इस बात को गलत साबित कर दिया है और ये बता दिया है कि सच्ची यारी दोस्ती आज भी होती है। गॉड ब्लेस यू, ऑलवेज बी हैप्पी। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। तू कहाँ हो? तुम ऑफिस में? हूँ सर। अच्छा, जून महीने के 15-16-17 तारीख को 3 दिन का कंपनी ग्रैंड सेमिनार है, इसलिए तुम्हारे अंदर सभी ब्रांच मैनेजर, फ्लाइंग मैनेजर सभी से बात करना और उन्हें समझाना कि प्रमोशन इवेंट में कम से कम 30 लोगों को न्यू मैनेजर के लिए प्रमोशन दिया जा सके, ठीक है? थैंक यू, गुड न्यूज फॉर अस सर। मैं सभी को अपनी अपनी जिम्मेदारियाँ समझा दूंगी, आप चिंता न करें सर। ओके देन, अच्छे से करना। बाय बेटी। ओके बाय सर। हमारा ग्रैंड सेमिनार जून महीने के 15, 16 और 17 तारीख को 3 दिन के लिए होगा, इसलिए MD सर ने फोन किया था और सेमिनार के लिए सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी उठाने का आदेश दिया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस मैम, अब चलता हूँ मैम। हाँ अभी चलता हूँ। बाय निशा, टेक केयर। गुड आफ्टरनून गाइस, आर यू एक्साइटेड? यस सर। 100% एक्साइटेड? यस सर। एनी प्रॉब्लम? नो सर। हमारा जीवन पेचीदा है, लेकिन नामुमकिन कुछ भी नहीं। आज हम जहां पे हैं, कल हम कहीं और होंगे। समय बहता ही रहता है, जो सिर्फ और सिर्फ बहना ही जानता है। इस समय से एक कदम आगे रहना बुद्धिमानी का काम है। धरती पे इंसान के रूप में जन्म लेने के बाद अगर सिर्फ खाने पीने के लिए जिंदा रहे तो जिंदगी का असली मजा नहीं मिलेगा। इस धरती पे जन्म लिया है तो अपने साथ मानव जाति के हित कुछ करने का लक्ष्य होना चाहिए। तुम सभी शारीरिक तौर से बिल्कुल फिट हो, किसी भी काम को आसानी से कर सकते हो। सभी को ऐसा ही कुछ काम करना चाहिए जिससे हमारा भविष्य उज्जवल हो। पैसा तो सभी किसी ना किसी तरीके से कमा लेते हैं, लेकिन साथ ही मान, इज्जत, सम्मान कमा नहीं पाते। अगर इनमें से एक मिलता है तो दूसरा नहीं मिलता है, लेकिन हमारी कंपनी में आप लोगों को सब कुछ मिलेगा। इज्जत, मान, सम्मान, पैसा, हर वो चीज जो आप डिजर्व करते हो। कंपनी ने पिछले कई साल से अपने वर्किंग मेथड को बेहतर से बेहतर किया है। यहाँ आप अपने कर्म के साथ जीवन का गाड़ी काफी मजे से चला पाएंगे, और इसके लिए थोड़ा धैर्य और परिश्रम की जरूरत है। जब एक किसान खेत में खेती करता है, हल चलाने से लेके फसल कटाई तक उसे कई मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, फिर भी वो उस कठिन समय में अपने धैर्य बनाए रखता है। कभी जरूरत से ज्यादा पानी हो गया तो कभी सूखा, कीट पतंग कितना फसल नष्ट करेगा इसका कोई हिसाब नहीं, और अंत में कितना फसल बचेगा इसका भी कोई हिसाब नहीं। या फिर ऐसा भी हो सकता है फसल ना ही उग पाए, लेकिन हमारा जो फसल है यानी कंपनी का जो काम है, इसमें निश्चित है कि अंत में आपको मेहनत का फल मिलेगा। आप सभी अपने जीवन की फसल को सींच सकते हैं और उसका फल उपभोग कर सकते हैं, इसलिए आप लोगों को पीछे ना देख के आगे बढ़ते जाना है। सफलता मिलेगी ही मिलेगी, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम लोगों के साथ है। विश यू ऑल ए ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू। जिंदगी का पहिया ऐसे ही चलता रहता है, उतार चढ़ाव के साथ, लेकिन स्पीड पकड़ के रखना है। पांव जमीन पे नहीं हुए तो क्या हुआ, गिरेंगे भी
तो डर नहीं, छलांग हम आसमां की लगाएंगे, छलांग हम आसमां की लगाएंगे।